जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीबीए कोर्स के बारे में। बीबीए कोर्स के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसके साथ साथ मैं आपको ए टू जेड यानी कि बीबीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीबीए हमें कहां से करना चाहिए, कहां से नहीं करना चाहिए, इसके लिए फीस क्या लगती है, इसको करने के बाद में गवर्नमेंट जॉब में प्राइवेट सेक्टर में क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, सैलरी पैकेज क्या रहता है, तो यानी कि जो भी आप जानना चाहते हैं बीबीए के बारे में, उन सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है, आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं बीबीए की फुल फॉर्म के बारे में। तो बीबीए की फुल फॉर्म लगभग सभी को पता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि हमारा ये 3 साल का डिग्री कोर्स है। कितना है? 3 साल का हमारा डिग्री कोर्स है, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स। हमारा कैसा है? प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। अब इसको हम रेगुलर और डिस्टेंस दोनों ही मोड में कर सकते हैं, यानी कि हम रेगुलर भी कर सकते हैं और डिस्टेंस में भी कर सकते हैं। डिस्टेंस में कौन लोग कर सकते हैं, यानी कि जो वर्किंग में है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो लोग अपने डिस्टेंस से बीबीए कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसके लिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो इसको करने के लिए आपने अपना 12th किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया हुआ हो। सबसे पहला है कि आपने अपना 12th किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किया हुआ हो, उसमें आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, चाहे वो आपने आर्ट से किया है, कॉमर्स से किया है, आपने बायोलॉजी से किया है, या आपने पीसीएम से किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके 12th में साथ के साथ 45% होना अनिवार्य है, यानी कि आपकी जो 12th की परसेंटेज है, मिनिमम परसेंटेज आपका 45% होना चाहिए। यदि आपकी कोई कैटेगरी लगती है, तो कैटेगरी में आपको 5% की छूट मिल जाती है, यानी कि फिर आपका 40% पे आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बात करते हैं कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है सिलेबस के बारे में, लेकिन उससे पहले एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कि मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है सक्षम स्कॉलरशिप का। साथियों, सक्षम एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हर साल हजारों लाखों बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, यानी कि उसमें आपको बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना है। वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यदि आप भी अपना एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये थी आपको इन्फॉर्मेशन। अब आगे बात करते हैं सिलेबस की, कि इसमें क्या पढ़ाया जाता है। तो साथ ही उसके नाम से पता चल रहा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो पढ़ाया जाता है, आपको बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, कुछ अकाउंटिंग का पार्ट आता है, कुछ इसमें मैथ्स होता है, तो ये सब सारी चीजें आपको पढ़ाई जाती है। कुछ इसमें कंप्यूटर के बेसिक कंसेप्ट हैं जो वो आपको पढ़ाए जाते हैं। ये आपका सेमेस्टर मोड का कोर्स है, यानी कि 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर कराए जाते हैं। तो ये है इसका सिलेबस, ये इसमें सब सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब इससे आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि जो कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साथियों, आपको बीबीए वहीं से करना चाहिए, उसी कॉलेज से आप या उसी यूनिवर्सिटी से आप बीबीए करें, जहां पर आपको कुछ वैल्यू एडिट कोर्स कराए जाएं, यानी कि साथ के साथ इसमें कुछ आपको वैल्यू एडिट चीजें कराई जाएं, जैसे कि आपको जो आपका बीबीए है उसके साथ साथ आपको कोई ट्रेनिंग कराई जा रही है, या आपको साथ के साथ टैली, ईआरपी या कुछ ऐसी चीजें कराई जा रही है जिसकी आज की डेट में मार्केट में डिमांड है। यानी कि यदि आप बीबीए करके जाते हैं, तो आपके लिए जॉब ऑप्शंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं जॉब ऑप्शन नहीं है, जॉब ऑप्शंस हैं। यदि आपने बीबीए के साथ कुछ ऐसे वैल्यू एडिट कोर्सेज किए हैं उसी से रिलेटेड, तो आपको जो जॉब है वो बहुत आसानी से मिल जाती है। यानी कि जैसे आप उसके बीबीए के साथ में आप जो आपका सोशल मीडिया है उसकी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, या डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, तो या आप जो है बिजनेस से रिलेटेड जो आपका टैली ईआरपी है, ये जो आपके वैल्यू एडिट कोर्सेज है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज अपने कोर्स के साथ में इन सब सारी चीजों को कराती है। तो वहां से ही आप बीबीए कीजिए, मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है। क्योंकि यदि आप नॉर्मल बीबीए करते हैं, तो वहां पर फिर आपको जॉब के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और साथ के साथ जहां से भी आप बीबीए करें, वहां के कॉलेज या यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट जरूर चेक कर लें। क्योंकि यदि आपका कैंपस से प्लेसमेंट नहीं होता है, तो फिर आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब आगे बात करते हैं कि इसका गवर्नमेंट जॉब में क्या ऑप्शंस हैं, यानी कि जब हम बीबीए कंप्लीट कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में हम कहां-कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो साथी, जैसे मैंने आपको बताया है कि बीबीए क्या है, आपका 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। तो जब आप 3 साल का बीबीए कर लेते हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं। यानी कि जहां पर भी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आती है, वो सब आप फिल कर सकते हैं। यानी कि जैसे आपका एसएससी सीजीएल के लिए फॉर्म निकलते हैं, या दिल्ली पुलिस में है, यूपी पुलिस में है, या आपका बैंकिंग में है, रेलवे में है, जहां पर भी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म निकलते हैं, तो वो सब आप फिल कर सकते हैं। यानी कि आप क्या हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं।
दूसरा है बैंकिंग में यदि आप जाते हैं तो बैंकिंग में आपको क्या होता है, बेनिफिट मिलता है क्योंकि वो सब सारी चीजें आप सीखते हैं पढ़ते हैं, यानी कि आपको अकाउंटिंग सिखाई जाती है, फाइनेंस, ये सब सारी चीजें इसमें पढ़ाया जाता है। तो बैंकिंग में यदि आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें हेल्प मिलती है। दूसरा है कुछ जो आपकी टेक्निकल वैकेंसी होती है वहां पर आपको इनको एलिजिबल नहीं माना जाता है, वहां पर जैसे बीटेक के लिए वैकेंसी निकली है या आपका डिप्लोमा, तो वो चीज दूसरी होगी कि ग्रेजुएशन लेवल में आपने टेक्निकल से किया हो तो वो वैकेंसी आपकी अलग हो गई है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए मैंने जैसे आपको बता दी है जहां पर भी ग्रेजुएशन मांगा जाएगा तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर में इसका अच्छा खासा स्कोप है, बहुत ज्यादा जॉब वैकेंसीज हैं, आज की डेट में सबसे पॉपुलर कोर्स इसको माना जाता है, तो आप जो है बीबीए कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है, जितने भी हम नाम लें, गूगल है आपका, सैमसंग है, ये बहुत सारी कंपनीज हैं, जितने भी आपका आईटी इंडस्ट्री है या जो भी है, बहुत सारी कंपनीज है, टेक महिंद्रा है, तो इन सब में आप जॉब कर सकते हैं। सैलरी पैकेज की यदि हम बात करेंगे, सैलरी पैकेज क्या रहता है, तो सैलरी पैकेज भी इसमें अच्छा खासा रहता है यदि आपने किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना बीबीए कंप्लीट किया है। मिनिमम सैलरी पैकेज की यदि हम बात करें तो 4.5 से लेकर और जो मैक्सिमम है आपका 10 लाख पर एनम तक रहता है, तो सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा रहता है, इसमें सैलरी की कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि आप किसी अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अपना बीबीए कंप्लीट करते हैं। अब इससे आगे बात करें कि इसको करने के लिए फीस कितनी लगती है, तो साथी जो फीस है वो डिपेंड करती है आपकी किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, यानी कि अलग अलग कॉलेज की अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो फीस है वो अलग अलग है। यदि हम मिनिमम फीस की बात करें तो मिनिमम फीस इसकी वही आपका 30,000 से लेकर और मैक्सिमम फीस की यदि हम बात करें तो 1-1.5 लाख रुपए तक इसकी मैक्सिमम फीस रहती है पर ईयर की, यानी कि पर ईयर की जो मिनिमम फीस है आपकी 30,000 रुपए से लेकर और आपकी 1.5 लाख रुपए तक इसकी मैक्सिमम फीस रहती है पर ईयर की। तो आप बीबीए कर सकते हैं, काफी अच्छा कोर्स है। अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन मेरे से पूछा जा रहा था कि सर क्या हम बीबीए हिंदी में कर सकते हैं, बीबीए हम हिंदी से कर सकते हैं, तो साथियों मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, बीबीए वही बच्चे करें, बीबीए वही बच्चे ऑप्शन में चूज करें, यानी कि वही वो कोर्स करें बीबीए का, जिन बच्चों की इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जिनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, जिनको एज अ टीम वर्क करना अच्छा लगता है, तो वही लोग बीबीए करें। यानी कि बीबीए करने के बाद में जब आपको जॉब मिलती है तो आप इस प्रोफेशन में जाते हैं जहां पर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपको बोलना या टीम एज अ टीम लीडर वर्क करना आना चाहिए, आपकी जो इंग्लिश है वो भी थोड़ा सा ठीक होनी चाहिए, तो ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। मैटर ये नहीं करता आप हिंदी से हैं तो आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, आप भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आप अच्छी जॉब पा सकते हैं, लेकिन यदि आप क्योंकि इसमें सब सारी चीजें इंग्लिश में ही है, सब सारी चीजें इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं, तो आप जो है आगे जो जॉब मिलती है वहां पर भी आपको जो काम करना होता है, एज अ टीम वर्क करना होता है या टीम लीडर में एज अ टीम लीडर आपको वर्क करना होता है, तो वहां पर भी आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए। तो यदि आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो फिर मैं आपको एडवाइस करूंगा फिर आप बीबीए ना करें, फिर आप बीसीए कर सकते हैं। बीसीए में क्या होता है, बीसीए में फिर आपका जो काम होता है कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, उसमें बहुत सारी फील्ड हो जाती है, आप हार्डवेयर में जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, नेटवर्किंग में जा सकते हैं, तो वहां पर फिर भी आपका चल जाएगा। लेकिन यदि आपकी जो हिंदी आप चाहते हैं, इंग्लिश आपका स्ट्रांग नहीं है, तो फिर मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आप जो है बीबीए ना करें। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने सब सारी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं, यदि अभी भी आपका कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो साथियों आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से कितने संतुष्ट हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, यदि आप संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।